नमस्कार, मैं त्रिशाली मगर एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। शहर में पार्किंग का सवाल निर्माण हुआ है, वाहन दार जगह मिलेगी वहां पर वाहन पार्क करते हुए पाए जा रहे हैं। शहर में पार्किंग का सवाल निर्माण हुआ है, इस वजह से वाहन धारक जगह मिलेगी वहां पर वाहन पार्क करते हुए पाए जाते हैं। परिणामी नियोजबंद शहर के रास्तों को वाहन तल का स्वरूप प्राप्त हुआ है। वसाहती अंतर्गत रास्तों पर दुतर्फा वाहन खड़े किए जाते हैं, तो अब मुख्य रास्तों पर भी निजी वाहनों की पार्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाशी कोपर खैरने मार्ग पर इस तरह ठीक ठिकानों पर निजी बसेस, ट्रक, टेम्पो खड़े करने का चित्र भी दिखाई दे रहा है। इस घटनाओं पर अभी निर्बंध लगा न जाने पर आने जाने की समस्या निर्माण होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कांबे, एमवीटीवी न्यूज। पनवेल और कर्जत, इन दो ठिकानों को जोड़ने वाली लोकल सेवा को मंजूरी मिल गई है। जल्दी इन लोकल सेवा के कामों की शुरुआत होने वाली है। पनवेल और कर्जत, ये दो जगहों को जोड़ने के लिए लोकल सेवा शुरू करने के निर्णय को मंजूरी मिली है। जल्दी इस रेल सेवा के कामों को शुरुआत होने वाली है। कुल मिला के 29 किलोमीटर का अंतर इस लोकल के माध्यम से पनवेल और कर्जत के रहवासियों का इसका फायदा होने वाला है। मात्र ये सेवा शुरू होने के लिए कम से कम 3 या 4 सालों की कालावधि की संभावना है। इस रेल प्रकल्प के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से निधि हासिल किया है। इस प्रकल्प के लिए 2,783 करोड़ रुपयों का खर्चा अपेक्षित है, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। इस लोकल से पनवेल और कर्जत के बीच रहने वाले नागरिकों को इस लोकल का बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसी जानकारी रेलवे प्रशासन की ओर से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीटीवी न्यूज। हापुस आम के नाम पर काफी बार धोखा दिया जाता है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोकण के हापुस आम को GI नामांकन मिला है। ठंड खत्म होने के बाद गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं और इन दिनों सबका ध्यान रहता है वो हापुस आम पर। नई मुंबई के प्रमुख बाजार में ऐसे आमों का आगमन होते ही आम प्रेमी भी वो खरीदने के लिए वहां पर जाते हैं। कल APMC में देवगढ़ रत्नागिरी से हापुस आम के 600 पेटियों की आवक हुई और कर्नाटक से भी 250 पेटियों की आवक हुई, ऐसी जानकारी मिली है। हापुस आम के नाम पर काफी बार धोखा दिया जाता है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोकण के हापुस आम को GI मानांकन मिला है। इसलिए अब से मानांकन प्राप्त संस्था के पास रजिस्ट्रेशन करना बंधनकारक रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बिना नाम इस्तेमाल करने से उन पर फौजदारी कार्रवाई होगी, ऐसा संस्था ने बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। कोकण रेलवे मार्ग के सर्वाधिक लोकप्रिय कोकण कन्या और मांडवी एक्सप्रेस, इन गाड़ियों का रूप बदलने वाला है। कोकण रेलवे मार्ग के सर्वाधिक लोकप्रिय कोकण कन्या और मांडवी एक्सप्रेस, इन गाड़ियों का रूप अब बदलेगा। अभी के गाड़ियों की जगह नए LHB गाड़ियां लेगी, इसलिए यात्रियों को सुखकर और आरामदायी यात्रा का लाभ मिलेगा। आने वाले मई महीने के आखिर तक ये गाड़ियां कोकण रेलवे मार्ग पर दौड़ेगी, ऐसी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। मोरबे धरम प्रकल्प अंतर्गत 7 गांव और 8 वाड़ियां विस्थापित हुई है। इन पुनर्वसित गांवों के लिए पानी पुरवठा करने का काम नवी मुंबई महापालिका करने वाली है। मुरबे धरण प्रकल्प अंतर्गत 7 गांव और 8 वाड़ियां विस्थापित हुई है। इन पुनर्वसित गांवों के लिए पानी पुरवठा करने का काम नई मुंबई महापालिका के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जलवाहिनी डालना, भूस्तरीय जलसाठा निर्माण करना, रस्तों का डामरीकरण करना आदि करीब 5,16,00,000 रुपयों का काम किया जाएगा। इस मामले के प्रस्ताव को हाल ही में हुए सर्वसाधारण सभा में मंजूरी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। पैन कार्ड, आधार कार्ड को अब तक लिंक नहीं किया होगा तो आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड को अब तक लिंक नहीं किया होगा तो अब बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आधार को पैन लिंक नहीं किया तो IT कलम 139AA अंतर्गत वो निष्क्रिय समझा जाएगा। प्रत्यक्ष कर संचालक मंडलों ने आधार को पैन कार्ड लिंक करने की मर्यादा 31 मार्च 2019 तक बढ़ाई है। एक बार अपना पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और कहीं से भी आने वाला कर परतावा भी रुक सकता है। उसी के साथ पैन कार्ड निष्क्रिय होगा, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। आज के समाचार में इतना ही, नमस्कार।